हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं 12 प्रीवियस एग्जाम के सम ऑब्जेक्टिव एंड सम न्यूमेरिकल्स, जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं 12 क्लास के प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर है, सम ऑब्जेक्टिव एंड सम न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में भी इसको लिख दिया है कि निम्न में से किसका क्वथनांक उनियन अधिक होगा। आपका ऑप्शन है ग्लूकोज ए पर, और बी ऑप्शन पर है NaCl, और सी ऑप्शन पर है K2SO4। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वाटर का सेम अमाउंट अगर अलग अलग कंटेनर में लिया जाए, 1 लीटर वाटर, और इसमें अगर हम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डिजॉल्व करें, अदर कंटेनर में NaCl का डिजॉल्व करें, अदर कंटेनर में K2SO4 को डिजॉल्व करें, अदर कंटेनर में K4 फेसिंग सीस को डिजॉल्व करें, तो हमारा किस सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। हम लोग जानते हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो इसमें तो हमारा सॉल्वेंट जो है सेम क्वांटिटी में है सभी के लिए, और सॉल्यूट भी जो डिजॉल्व हो रहा है वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो रहा है, आपका ग्लूकोज का भी, NaCl का भी और K2SO4 का भी। बट इसमें बताना है आपको कि किसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग तो सब में सेम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट भी सेम है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी सॉल्यूट का सेम है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा प्योर वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट को T0B से इंडिकेट करते हैं 100°C पर बॉइल होगा, तो अगर हम इसी वाटर में 1 मोल ग्लूकोज को डिजॉल्व करेंगे तो अब ये इससे ज्यादा पर बॉइलिंग होगा, क्योंकि हम लोग को प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ये प्रिपेयर हुआ, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग TB कहते हैं, और ये इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मान लिया गया है, सपोज मान लो कि 110°C पर ही बॉयल हो रहा है। नेक्स्ट जो है देखा गया है कि ये इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है, जबकि सेम सॉल्वेंट का अमाउंट है और जो सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसी के सेम है, तो बट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 120°C मिला। नेक्स्ट जो हम कंटेनर लिए हैं इसमें भी सॉल्वेंट 1 लीटर ही लिए हैं, बट सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो भी जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व कर रहे हैं, बट यहां पर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा आता है, यानी कि सपोज मान लीजिए कि 130°C आया। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सबसे ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले हम ये देखेंगे कि क्यों आखिर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिजॉल्व होने के बावजूद भी हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते चला जा रहा है, इसमें और ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका 140°C हो जाएगा। तो इसका रीजन ये है कि जब इसका 1 मॉलिक्यूल हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो आफ्टर डिजॉल्विंग भी ये 1 मॉलिक्यूल ही रहता है, C6H12O6। डिजॉल्व होने से भी अगर पहले वन पार्टिकल है तो आफ्टर डिजॉल्विंग भी ये 1 पार्टिकल रहेगा, बट अगर ये डिजॉल्व होने से पहले 1 पार्टिकल है तो आफ्टर डिजॉल्विंग ये 2 आयन देगा, Na+ + Cl-, यानी कि आफ्टर डिजॉल्विंग इसका 2 पार्टिकल हो जाएगा। सिमिलरली K2SO4 का आफ्टर डिजॉल्विंग
हम वन मॉलिक्यूल अगर डिजोल्व करेंगे तो ये थ्री आयन देगा, यानी कि थ्री पार्टिकल देगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सिमिलरली ये फाइव पार्टिकल देगा, इसमें से फाइव आयन डिसोसिएट होकर के डिजोल्व होंगे, 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बताना है, तो पहले हम ये जान लें कि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीबी को कहते हैं, और ये होता है इसका फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज किया उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी। और ये कितना इंक्रीज किया गया आएगा कैसे, तो हमारा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सबस्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारा जो है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज किया। सपोज जैसे इसका अगर बताना हो कि डेल्टा टीबी कितना होगा, तो जब प्योर वाटर था तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सी था, जब हमने ग्लूकोज को डिजोल्व किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सी हो गया, तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में कितना हुआ, तो 10 डिग्री सी हुआ, तो जितना इंक्रीजिंग हुआ उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी। तो यहाँ हो गया हमारा 10 डिग्री सी। ये कैसे आया, तो हमारा जो है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी के जगह पर हमने 110 रखा और टी नॉट बी के जगह पर हमने 100 रखा, माइनस कर दिया कितना है 10 डिग्री सी। अब सिमिलरली सारे हम सोल्यूशन के डेल्टा टीबी फाइंड कर सकते हैं। सपोज जैसे इसका डेल्टा टीबी कितना होगा, तो इसका डेल्टा टीबी होगा कितना इंक्रीज किया है, 100 था 110 हो गया सॉल्यूशन प्रिपेयर होने पर, तो 20 डिग्री इंक्रीजिंग हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, और जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग होता है उसी को डेल्टा टीबी कहते हैं, तो हो गया 20 डिग्री सी। इसी तरह से ये डेल्टा टीबी कितना हो गया 30 डिग्री सी, ये डेल्टा टीबी कितना हो गया 40 डिग्री सी। यहां हम लिख देते हैं वेयर कौन इसमें से क्या है, तो इसमें से जो डेल्टा टीबी है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट बी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑप्शन में ही सिर्फ तीन ही दिया है, एक ग्लूकोज दिया है ए ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर NaCl दिया हुआ है, और सी ऑप्शन पर K2SO4 दिया हुआ है, और इसी तीनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, यानी कि डेल्टा टीबी आपको मैक्सिमम बताना है, डेल्टा टीबी मैक्सिमम बताना है कि किसका है। ये डेल्टा टीबी हो गया, ये मैक्सिमम हो गया ऊपर की तरफ, और इसको बताना है कि किसका मैक्सिमम है, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। तो इसमें से डेल्टा टीबी देखें किसका मैक्सिमम है, तो इसका डेल्टा टीबी 10 डिग्री सी है, इसका डेल्टा टीबी 20 डिग्री, इसका डेल्टा टीबी 30 डिग्री, तो मैक्सिमम कौन हुआ, ये हुआ, यानी कि इसका आंसर हुआ कौन, सी K2SO4, K2SO4 इसका आंसर हो गया, K2SO4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा K2SO4, क्योंकि हमारा आफ्टर डिजॉल्विंग ये वन पार्टिकल रहेगा, ये आफ्टर डिजॉल्विंग टू पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, आफ्टर डिजॉल्विंग ये थ्री पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना ही ज़्यादा डिजॉल्व होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें से हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है सिमिलरली इसी क्वेश्चन के बेस पर है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा,
इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना था, इसमें सिर्फ सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बताना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको उस ऑप्शन में, इसमें ये ए पर था, ये बी पर था, ये सी पर था, लेकिन इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें NaCl ए ऑप्शन पर प्रेजेंट है और बी ऑप्शन पर K2SO4 प्रेजेंट है और सी ऑप्शन पर है जो है K4FCCs प्रेजेंट है। और इसमें से हमको कंपेयर करके बताना है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीवी से इंडिकेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को टीवी से इंडिकेट करते हैं, तो टीवी देखेंगे कि किसका मिनिमम है। तो इसमें जो है हमारा जो प्योर वाटर आ रहा है तो 100 डिग्री सी, जब ग्लूकोज डीजल हो रहा है तो 110 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है, जब हम लोग NaCl डीजल कर रहे हैं तो 120 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है, अगर हम लोग K2SO4 डीजल कर रहे हैं तो 130 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है, अगर हम लोग K4FCCs को डीजल कर रहे हैं तो 140 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो मिनिमम तो ऐसे ग्लूकोज का है, लेकिन ऑप्शन में ग्लूकोज तो है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन में उसमें से चूज करना है ना कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ए बी सी में से हमारा ये जो है NaCl है इसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। यानी कि जो ये क्वेश्चन था इसमें हमको डेल्टा टीवी नहीं बताना था, इसमें हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट बताना है, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीवी से इंडिकेट करते हैं, और टीवी क्या बताना है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम बताना है, तो डेल्टा टीवी नहीं, इसमें टीवी बताना है वो मिनिमम, तो मिनिमम टीवी जो है 120 है, क्योंकि इससे तो सब ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा NaCl सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है NaCl सॉल्यूशन 120 डिग्री सी। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें, अब हम उसी के बेस पर और भी दो ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हिंदी में हम भी लिख दिया है कि निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। इस क्वेश्चन में आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम बताना है। ऑप्शन में है ग्लूकोज NaCl K2SO4, ये भी जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर हम प्योर वाटर लेते हैं और सेम क्वांटिटी में हम अलग अलग कंटेनर में वाटर लेकर के अगर हम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज का डिजॉल्व करें, हम NaCl का डिजॉल्व करें, K2SO4 का डिजॉल्व करें, K4FCCs का डिजॉल्व करें, तो हमारा किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना ही ज़्यादा मिनिमम होगा उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। क्योंकि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है उसको हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम लोगों को इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, वो भी मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि अगर प्योर वाटर हम लोग फ्रीज करते हैं तो सपोज ये जो है 273 केल्विन पर फ्रीज हो रहा है, ऐसा हमने मान लिया, होता भी है प्योर वाटर जो है 0 डिग्री सी पर फ्रीज होता है, दैट इज 273 केल्विन पर, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को या प्योर सॉल्वेंट का किसी भी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग T0F से इंडिकेट करते हैं। जब इसमें सोल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF से इंडिकेट करते हैं, बट हमको पता है कि जब हम लोग सोल्यूट डिजॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो इससे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ये 273 है, तो इससे सपोज हम ये मान ले रहे हैं ऐसा कि ये जो है 270 केल्विन हो गया, इससे तो कम होगा ही। अब जो है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजिंग भी सेम ही आनी चाहिए, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं होता है, इसमें इससे भी ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो इसका जो TF सपोज हम मान लिए कि यहाँ पर जो है 260 केल्विन हो जा रहा है, यहाँ पर हमने मान लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है और ज़्यादा डिक्रीज कर जा रहा है, यानी कि 250 केल्विन
और यहाँ पर जो है और ज़्यादा फ्रीज डिक्रीज कर जाए फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो जा रहा है 240 केल्विन। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको सॉल्वेंट 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और सोल्यूट पार्टिकल का नंबर भी सेम डिजल्व हो रहा है। जितना ग्लूकोज का नंबर डिजल्व हो रहा है उतना ही NaCl का, उतना ही K2SO4 का, उतना ही K4 एफिशिएंसी का। हम लोग को पता है कि जब सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितना ज़्यादा डिजल्व होता है उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल तो सेम डिजल्व हो रहा है, फिर भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीजिंग होते चला जा रहा है। तो इसका रीजन है कि डिजल्व होने से पहले अगर 1 मॉलिक्यूल रहता है ग्लूकोज का तो आफ्टर डिजल्विंग भी 1 मॉलिक्यूल रहेगा, बट अगर हमारा डिजल्व होने से पहले NaCl 1 मॉलिक्यूल है तो आफ्टर डिजल्विंग ये 2 पार्टिकल देगा Na+ और Cl- का। डिजल्व होने से पहले अगर 1 मॉलिक्यूल है हमारा K2SO4 का तो आफ्टर डिजल्विंग ये 3 पार्टिकल देगा K+ और SO4 2- का, और K4Fe6 का अगर 1 मॉलिक्यूल डिजल्विंग से पहले है तो आफ्टर डिजल्विंग ये 5 पार्टिकल देगा आयन का 4K+ और Fe6 4-। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किस में डिजल्व हो रहा है, हम डाल तो रहे हैं सेम नंबर ऑफ पार्टिकल बट जब डिजल्व हो रहा है उस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, K4Fe6 में हो रहा है। और जब सबसे ज्यादा नंबर पार्टिकल इसमें डिजल्व हो रहा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसीलिए यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा डिक्रीज किसका किया, तो इसका किया। अब हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि कितना डिक्रीज किया, तो इसको हम लोग ΔTF से इंडिकेट करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को ΔTF से। और इसका फॉर्मूला होता है T0F-TF, क्योंकि कभी भी प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और जब हम लोग सोल्यूट पार्टिकल डिजल्व करेंगे तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम किसी भी सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को सबस्टेट कर देते हैं तो उस सोल्यूशन का हमारा ΔTF निकल जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि इस सोल्यूशन का जानना है कि ΔTF कितना है, तो प्योर स्टेट में 273 और जब हमने सुगर डिजल्व किया तो कितना का 270 हो गया, तो कितना डिक्रीज किया, सिर्फ 3 केल्विन डिक्रीज किया। तो कैसे निकलेगा, तो टी नॉट के जगह पर 273 और TF के जगह पर 270, तो कितना सबस्टेट हो जाएगा 3 केल्विन। तो यहाँ पर जो है हमारा ΔTF कितना आएगा, ΔTF आएगा 3 केल्विन। इसी तरह से सबका बारी वाइज चेक करेंगे इसका ΔTF कितना होगा, तो ΔTF अगर निकलना है तो जब इनिशियली वाटर था प्योर तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट 273 और जब हमने NaCl को डिजल्व किया तो कितना 260 होगा। तो इसके कंपेयर में ये कितना डिक्रीज किया, तो इसके जगह पर 273 और इसके जगह पर ये सबस्टेट होकर कितना आएगा 13 केल्विन। तो इसका ΔTF कितना हुआ, 13 केल्विन हो गया। इसी तरह से बारी बारी से हम सबको फाइंड कर लेंगे इसका ΔTF कितना होगा। हम 273 से इसको माइनस कर देंगे हमारा आएगा 23 केल्विन। इसका जो है ΔTF कितना आएगा, 33 केल्विन। और यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी व्यूअर देख लेते हैं ΔTF जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, जो T0F है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम लोगों को बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताना है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ΔTF बताना है क्या, तो मैक्सिमम। तो हम ΔTF में चेक करें कौन सा मैक्सिमम है, तो हमारा ऑप्शन पहले देखते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से इसमें से दिया हुआ है। तो ए पर हमारा जो है ग्लूकोज है, बी पर जो है NaCl है, सी पर है K2SO4। हमको ये तीनों में से बताना है कि ΔTF मैक्सिमम किसका है, तो ΔTF जो है ये 3 केल्विन है, 13 केल्विन है, 23 केल्विन है, तो मैक्सिमम कौन हुआ, ये हुआ, यानी कि K2SO4 हमारा आंसर हुआ। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा K2SO4, यानी कि ये। इसका रीजन भी वही पिछले वाला है
कि यह जब डिजल्व होगा तो वन पार्टिकल देगा, इसका वन मॉलिक्यूल डिजल्व होगा तो टू पार्टिकल देगा, इसका वन मॉलिक्यूल डिजल्व होगा तो थ्री पार्टिकल होगा, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल आफ्टर डिजल्विंग K2SO4 देगा, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब जो है इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, बट इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ओनली बताना है, मतलब कि निम्न में से किसका हिमांक कम होगा, हिमांक बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट वो भी मिनिमम। तो हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होता है उसको हम लोग टीएफ देखते हैं। तो टीएफ ये और ये और ये में से पहले ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन सा दिया हुआ है। तो हमारा जो है ए पॉइंट पर, इसमें ग्लूकोज नहीं है, इसमें ए पॉइंट पर हमारा NaCl है, ए पॉइंट पर NaCl है, बी पॉइंट पर ये है और सी पॉइंट पर ये है, और ये तीनों में से हम लोग को चूज करना है कि सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, और फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ कहते हैं। तो डेल्टा टीएफ जो है इसमें 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 चूज कीजिए किसका मिनिमम है। तो ये जो है 260 केल्विन है, ये 250 केल्विन है और ये 240 केल्विन है, तो मिनिमम किसका हुआ, तो मिनिमम हुआ हमारा K4 एफिशिएंसी का। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों को टीएफ बताना है वो भी मिनिमम, टीएफ बताना है मिनिमम, तो मिनिमम टीएफ बताना है, तो हमारा मिनिमम टीएफ आ रहा है 240, यानी कि K4 एफिशिएंसी सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी, आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 12 प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पर है। इसमें से हम पहला न्यूमेरिकल दिए हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजर्व्ड 200 ग्राम वाटर, देन दैट फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन के जी मूल निर्भर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है 100°C। इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में घोला जाता है, तो इस बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करें। इसके लिए भी केबी यही है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का यह है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में सबसे पहले हम उसमें दिए वैल्यू को नोट करते हैं। हमारा जो है 18 ग्राम ग्लूकोज है जो 100 ग्राम वाटर में डिजल्व हो रहा है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ जिसके वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे, और जो 18 ग्राम ग्लूकोज है ये सोल्यूट हुआ जो कि डिजल्व हो रहा है, इसको वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया हमारा 18 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू हो गया 100 ग्राम। जो सोलूट है ग्लूकोज है, तो इसके हम लोग मोलिकुलर मास को भी जान सकते हैं। मोलिकुलर मास को हम सिंडिकेट एम से इंडिकेट करते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसका मोलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। अब जब ग्लूकोज डिजल्व हो रहा है और सोल्यूशन प्रिपेयर हो जा रहा है, उसके बाद हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बताना है। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीबी से इंडिकेट करते हैं जो कि बताना है, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100°C दिया हुआ है। तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम T0B से इंडिकेट करते हैं जो कि हमारा 100°C है। अब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0B। इसमें से टीबी क्या है, तो टीबी जो है और T0B जो है रिस्पेक्टिवली, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी है एलिवेशन, इसको नीचे ही लिख यहां लिख देते हैं एलिवेशन
ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और जो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो टी नॉट भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पर जो है हम लोगों को टीबी फाइंड करना है, तो टीबी फाइंड करना है, तो टीबी फाइंड करने के लिए जो टी नॉट बी है ये डेल्टा टीबी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी, टीबी इक्वल डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी कितना है तो 100 दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको 100 डिग्री से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग डेल्टा टीबी का वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। के बी कितना है हमारा, तो के बी जो है क्वेश्चन में 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, के बी के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 0.52 हो गया। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो ये 18 ग्राम है, ये 1000 हो गया। अपॉन स्मॉल एम कितना है, तो स्मॉल एम जो है 180 है। और कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम है। अब 0 to 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.52 डिग्री सी केल्विन। बट हम लोग को पता है कि डेल्टा टीवी जो है टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, डेल्टा टीवी टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, तो जो वैल्यू इसका केल्विन में आएगा वही डिग्री सी में हो जाएगा, यानी कि 0.52 डिग्री सी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम डेल्टा टीवी का वैल्यू यहां इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में यहां पुट कर देंगे तो हमारा टीबी फाइंड हो जाएगा। टीबी इज इक्वल टू यहां डेल्टा टीबी की जगह पर 0.52 और प्लस 100, यह हो जाएगा 100.52 डिग्री सी, ये आंसर हो गया। फॉर्मूला में जो है कौन क्या है इसको नोट कर दे रहे हैं यहां पर, तो डेल्टा टीबी तो ऑलरेडी यहां है, यहां नोट किए थे, चलिए फिर से नोट कर दे रहे हैं। डेल्टा टीबी जो है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यहां नोट था, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू
कैपिटल डब्ल्यू, तो हम लोग डेल्टा टी भी नोट कर चुके हैं। केबी क्या है? केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर लिबरेशन कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? तो वेट एब्सोल्यूट है। स्मॉल एम क्या है? तो मोलर मास है सोल्यूट का। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप लोग कॉपी कर लें। हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच शुगर शुड बी डिजर्व्ड इन 500 ग्राम वाटर सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम 100 डिग्री सी। केबी का वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है 99.67 डिग्री सी। हिंदी में भी इसको लिख दिया है कि 500 ग्राम वाटर में कितनी शुगर घोली जाए कि घोल का क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए। अब हम इसमें जो भी वैल्यू दिया है उसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें 500 ग्राम वाटर है जो कि ये सॉल्वेंट होता है जिसके वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसमें कह रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी डिजल्व, मतलब कि शुगर जो डिजल्व किया जा रहा है उसका वेट कितना होगा जो कि सोल्यूट है शुगर, जिसके डिजल्व करने से हमारा जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सी हो जाएगा। तो इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सॉल्यूट है शुगर उसका वेट नहीं पता है कि कितना डिजल्व किया जा रहा है। तो सॉल्यूट के वेट को हम लोग, जो शुगर सॉल्यूट है इसके वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू हमारा व्हाट हो गया, ये हमको पता है कि जो डिजल्व हो रहा है शुगर है, इसलिए इसका हम लोग मोलर मास जान जाएंगे। तो यहाँ जो है एम ऑफ शुगर यानी कि C12 H22 और O11 ये हो गया शुगर, इसका जो मोलर मास होगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। अब शुगर जिस सॉल्वेंट में डिजल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट जो है वाटर 500 ग्राम है जिसके वेट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो कैपिटल डब्ल्यू है ग्राम है और आफ्टर डिजल्विंग जब सोल्यूशन पेयर हो रहा है उस कंडीशन में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो जा रहा है। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टीबी से इंडिकेट करते हैं, तो टीबी हो गया हमारा 100 डिग्री सी। और प्योर स्टेट में जब वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 9.67 डिग्री सी, यानी कि टी नॉट बी प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं और 9.67 डिग्री सी। हम लोगों का डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी जो है 100 डिग्री सी है और जो टी नॉट बी है 99.67 डिग्री सी है, यानी कि ये सब्सट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 0.33 डिग्री सी। दैट इज ये जो है टेम्परेचर का डिफरेंट है, तो इसको हम लोग जितना डिग्री सी वैल्यू होता है उसको केल्विन में भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.33 केल्विन इसको हम लोग लिख सकते हैं। और तो डेल्टा डी भी फाइंड हो गया, बट हम लोग को सोल्यूट का वेट फाइंड करना है। तो हम लोगों का जो है फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हम लोग पिछला क्वेश्चन में
कौन क्या है इसका वेयर लिख चुके थे, सबका वैल्यू फिर पुट करेंगे और हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है, 0.33, केबी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू जो है आपको फाइंड करना है, हो गया 1000, स्मॉल एम कैलकुलेट हो चुका है, शुगर का मॉलिकुलर मास 342, और कैपिटल डब्ल्यू जो है यह है 500 ग्राम। तो ये सीधे सीधे टू टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा 1000, और यहां से जो है ये कैंसिल हो जाएगा 170 वन टाइम में। अब हम लोगों को W फाइंड करना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, देखिए कैसे।